जनवरी शुरू हो चुका है और ठंड का सितम भी बढ़ता जा रहा है। कहीं कोहरे की चादर से विजिबिलिटी कम हो रही है तो लोग सोशल मीडिया पर ठंड को लेकर कई तरह के वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली नोएडा में भी आपको शिमला मनाली वाली वाइब्स मिल जाएंगी। तो कोई कह रहा है कि ये ठंड तो मार ही डालेगी। हालांकि जो लोग ठंड में घूमना पसंद करते हैं, एडवेंचर करना पसंद करते हैं, उनके लिए तो काफी अच्छा मौसम बना हुआ है। लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं। ये सर्दी उनके लिए आफत बनी हुई है। देखिए, दिल्ली एनसीआर यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है और लगता नहीं कि ये अभी रुकने वाली है। कई जगह बारिश ने स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के आवागमन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। पूर्वोत्तर रेलवे की माने तो कई एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 26 ट्रेनों को पहले ही निरस्त कर दिया। अब कुछ ट्रेनों को 9 से 15 जनवरी तक के लिए रद्द किया गया है, जबकि कुछ के रूटों में बदलाव करना पड़ा है। बृहस्पतिवार को दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से पहुंची। वहीं देश भर में 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से संचालित हुई है। विमानों पर भी असर पड़ रहा है और 71 से ज्यादा उड़ाने 30 मिनट तक की देरी से संचालित हुई है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25 जनवरी 2013 के बाद बीता बृहस्पतिवार सबसे ज्यादा ठंडा रहा और ठिठुरन बढ़ती रही। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 12.5 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री रहा। 11 साल में तीसरा सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजस्थान के सीकर में 1 डिग्री रहा। पंजाब में हालत बहुत खराब, 6 दिन से नहीं निकली है धूप। घने कोहरे के चलते पंजाब में 6 दिन से धूप नहीं निकली है। अधिकतम और न्यूनतम पारे में अंतर 5 डिग्री सेल्सियस रह गया है। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री जबकि हरियाणा के हिसार में 4 डिग्री दर्ज किया गया है। बढ़ती ठंड पर मौसम विभाग क्या कह रहा है? बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि ठंड और कोहरे से अभी राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे या गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। नोएडा की सर्दी ने शिमला और मनाली को मात दी है। बात करें गौतमबुद्ध नगर की तो यहाँ शिमला और मनाली जैसी ठंड पड़ रही है। बृहस्पतिवार को दिन के समय अधिकतम तापमान शिमला और मनाली के कमोबेश बराबर ही रहा। वहीं कुल्लू में दिन का तापमान गौतमबुद्ध नगर से ज्यादा दर्ज किया गया। सर्द मौसम का असर लोगों को दिख रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी तक कोल्ड डे रहने वाला है। अब ऐसे में दिन के समय तापमान गिरेगा, वहीं घना कोहरा भी इस दौरान मुश्किल करेगा जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है। ऐसे में वाहनों के संचालन में दिक्कतें आएंगी। मौसम विभाग ने 8 जनवरी से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान दिया है। 9 जनवरी को बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में बुधवार को बारिश हो चुकी है। पहाड़ों पर भी बारिश की वजह से तापमान में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो ठंड का सतम है, ठंड का जो टॉर्चर है, वो कम होने वाला नहीं है।